प्रकाश, वो माल कौन लेकर आया था? तुम्हारा लीडर कौन था? बोलो। कुछ मालूम नहीं। आखिरी समय में झूठ मत बोलो, बता दो प्रकाश, बता दो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक नाम इस देश के लाखों बेगुनाहों की जान बचा सकता है। कौन है वो जो अपने फायदे के लिए इस देश की नस्लों को तबाह कर रहा है? प्रकाश, तुम्हारा भी एक बच्चा है, कल ये भी बड़ा होकर इस जहरीले नशे का शिकार बन सकता है। हमारे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए बता दो। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा प्रकाश। सरकार इसकी पूरी देखभाल करेगी। मैं वादा करता हूं प्रकाश, तुम सिर्फ अपना बयान दे दो। मैं बताता हूं। बताओ प्रकाश। हमारा लीडर अजीत सिंह है। हाँ? वो जुआ खाने चलाता है। कहाँ मिलेगा वो? होटल ऑस्कर। होटल ऑस्कर, गुड। तुम यहाँ जरा साइन कर दो। ये लो, यहाँ साइन कर। यहाँ पूरे होटल की तलाशी ले ली गई है, लेकिन अजीत सिंह का कहीं पता नहीं चला। एक काम करो, सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर अपने आदमी फैला दो। जैसे ही अजीत सिंह का पता चल जाए मुझे खबर कर देना, मैं घर जा रहा हूं। यस सर। कौन? अजीत सिंह। अब तुम पूछोगे कि हम तुम्हारे घर में बैठे क्या कर रहे हैं। भाई, जब हमें पता चला कि तुम हमारी तलाश में हो तो हम खुद ब खुद चलकर तुम्हारे घर पहुंच गए, क्योंकि हम अपने दुश्मनों और दोस्तों को कभी मायूस नहीं करते। ओ, कानून भी तुम्हारा दुश्मन है, उसे क्यों मायूस कर रहे हो? ठाकुर साहब, कानून ना किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। हर कोई इस किताब का मतलब अपने अपने ढंग से निकालता है। अजीत सिंह, तुमने आज तक सिर्फ गुनाहों की किताब पढ़ी है, कानून के इंसाफ की किताब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो पहली और आखिरी किताब ये है। इसमें तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारे ही गुनाह का हिसाब किताब लिख दिया है। तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है इंस्पेक्टर, इसी के लिए तो चलकर तुम्हारे घर आना पड़ा, और तुमसे पहले यहां पहुंचने का हमें फायदा भी हुआ। हम तो तुम्हें खरीदने के लिए नोटों से भरा हुआ ये बैग लेकर आए थे।
लेकिन जब हमारी नजर तुम्हारे पूर्वजों की तस्वीरों पर पड़ी तो हमें लगा कि नहीं, तुम्हारी रगों में इन महापुरुषों का खून दौड़ रहा है, तुम बिक नहीं सकते। हम चाहें तो तुम्हें शहीद कर सकते हैं, लेकिन खून करना हमें पसंद नहीं। बेहतर यही है कि हम तुम्हारी दोनों टांगें बेकार कर दें, ताकि तुम हमारे पीछे भाग नहीं सको। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अजीत सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो बोलिए कौन था? पुलिस, पुलिस को बता दो। ओ, अजीत, अजीत सिंह, छोटे ठाकुर, अजीत सिंह। क्या आपको यकीन है कि उन्होंने नाम अजीत सिंह ही बताया था? बिल्कुल, छोटे ठाकुर ने यही नाम बताया था। क्या आप जानते हैं कि अजीत सिंह इस इलाके के बहुत बड़े आदमी हैं? आप उनके खिलाफ अदालत में गवाही देंगे? हाँ हाँ साहब, हम गवाही देंगे। आज हम जो कुछ भी हैं, छोटे ठाकुर के स्वर्गीय पिताजी की वजह से हैं। छोटे ठाकुर को हम अपना भाई कहते थे, हर दिवाली पे उनकी हवेली पे मिठाई लेके जाते थे, इसलिए हम आज भी गए थे। मगर साहब, हम उसके खिलाफ गवाही देंगे। ठीक है। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने तुम पुलिस स्टेशन गए थे, और मैं यह भी जानता हूं कि जब तुम मुझे अदालत में देखोगे तो चीख चीख कर कहोगे कि यही है वो खूनी। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि अदालत किसी अंधे की गवाही कबूल नहीं करती। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने तुम्हें खून करते हुए देखा है। है नहीं, था। लेकिन जिस दिन अदालत तुम्हें मुझे पहचानने के लिए कहेगी, तुम्हारी अंधी आंखें मुझे पहचान नहीं सकेंगी। और मास्टर, सिर्फ आवाज की बिना पर दुनिया की कोई भी अदालत मुझे सजा नहीं दे सकती। अदालत अंधों की गवाही कबूल नहीं करती। खत्म कर दो इस हराम के पिल्ले को। आग लगा दो, राख कर दो इस घर को। क्या बोल रहे? अब्दुल्ला क्या करे लोगों? मैं आग नहीं लगाया। अरे मेरी बात सुनो बाबा।
कुछ चाहिए साहब? बस जल्दी साहब, मेहरबानी साहब, साहब का 2 रुपए चारा ना लेना। कम बेटे। आया साहब। 12 बज गए, दरवाजा बंद कर दे बेटा। हाँ मैं बंद करता हूँ साहब। राम जी साहब, इधर आओ, ये लो तुम्हारी पगार। आप अपने पास ही रख लीजिए सेठ जी, भला मैं क्या करूंगा, ना मेरा कोई घर है ना मेरे कोई सगे वाला, सिर्फ एक भाई है, उसका खाना आपके होटल से मिल जाता है, आप ये भी रख लीजिए। अब तक तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं चले बेटे? 2 अंधे उस बहने का आग से जिंदा नहीं निकल सकते थे ना, मर ही गए होंगे। भैया भैया, मुझे बापूजी और माँ के पास जाना है, मुझे घर ले चलो। नहीं लक्ष्मण, हमारे दुनिया में कोई नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है। तो फिर हमारे घर पे चलो, दादी माँ बहुत प्यार करती है। अब्बा मैं घर ले चलो। वाह बेटे जियो, क्या अच्छी बात कही है, आज से तुम दोनों हमारे घर रहोगे, अकबर को 2 भाई मिल जाएंगे और तुम्हें रहने के लिए घर। चल बेटे। बच्चों आओ बैठो। अब्दुल बेटे, इन दोनों बिन माँ बाप के बच्चों को पनाह देकर तुमने बहुत अच्छा किया। आज से अकबर ही नहीं, ये दोनों बच्चे भी मेरे पोते हैं। दादी, दादी। एक मिनट, ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? राम भैया। ये बात हुई तो पहले सो जा बेटे। दादी अब्बा कब आएंगे? बेटे अब तुम्हारे अब्बा कभी नहीं आएंगे, वो दूर आसमान पर तारा बन गए हैं। सो जा बेटे, सो जा। पापी पाखंडी मूर्ख, राम मेरा भाई नहीं भगवान है, अगर तुझे उस तक पहुंचना है तो मैं शिव पे से गुजरना होगा। शिव नहीं, शव, शव। हाँ हाँ पता है पता है, जा जा। तो मैं क्या कह रहा था, अगर तुझे राम तक पहुंचना है तो मेरे शव पर से जाना होगा। लक्ष्मण भैया, ये किसने आवाज दी? लक्ष्मण भैया। अरे ये तो झम्पू की आवाज है, मुझे माफ करना प्रभु, मैं अभी आया। ए, कहाँ जा रहे? देख बे साले, अगर दूसरी बार इसे मारा तो मैं तेरी हड्डी फसले कर दूंगा।
देख अगर दूसरी बार किसी ने तुझे मारा तो मुझे बुलाना। आने दो, मैं आज उसे बताता हूँ। पता नहीं कहाँ गया। मुझे माफ करना भैया। लक्ष्मण, राम लीला छोड़कर भाग जाता है। क्या करूँ भैया, चंपू मेरा दोस्त है ना, जब वो संकट में होता है मुझे जाना ही पड़ता है। लक्ष्मण भैया, अरे ये फिर किसकी आवाज आ गई? ये चंपू की आवाज है, मैं अभी आया। जंपू, तेरी ये हालत किसने बना दी? दर्शन ने। लेकिन क्यों? मैंने उसकी गाड़ी ठीक की और मैंने उसके पैसे मांगे, उसने मेरा स्टेयरिंग तोड़ डाला है, मेरा व्हील तोड़ डाला हुई, इंजन तोड़ फोड़ कर डाला। अरे तूने लक्ष्मण को नहीं बताया? अरे भाई उसी को तो ढूंढने आया हूँ। कहाँ है मेरा प्यारा लक्ष्मण? कहाँ है मेरा भाई लक्ष्मण? देख तेरे दोस्त का क्या हाल बनाया है उस दर्शन ने। वाह क्या गाड़ी बनाई है साले झंपू ने। अब सेठ घनश्याम से जबरदस्त मार मिलेगा। ए नमस्कार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा की तैयारी जजमान, पूजा की। पूजा? पूजा क्यों? आत्मा की शांति के लिए जजमान। आत्मा की शांति के लिए? अबे हरामजादो, तुम लोगों को आने किसने दिया यहाँ? ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने? तुम सब पागल हो। अरे काम आगे सब, गंगू शेरू जीवा। जलपान लेने गए हैं जजमान। जलपान किसके लिए? ऊपर वाले के लिए। वाह हरामजादो, नाश्ता करना चाहते हो और वो भी दर्शन के पैसों से? नहीं जजमान नहीं। फिर किसके पैसों से? झंपू के। सत्य वचन। ओ लक्ष्मण। हाँ श्री राम का भाई लक्ष्मण। तो तुम झंपू के पैसों की वसूली करने आए हो? हाँ, कहते हैं मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, पर अफसोस उसे मार मिली। अब समझा तुम्हारा मतलब, झंपू को मार मिली और दर्शन से पैसा वसूल करने के लिए आपने इन पिट्ठुओं को लाया है। लगता है दर्शन सेठ तुम समझे नहीं, तुम्हें समझाना पड़ेगा। एक मिनट, ये तीनों पंडित तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए आए हैं। अब तुम पूछोगे क्यों, तो हम तुम्हें बताते हैं। हिंदू शास्त्र में जब भी कोई मर जाता है तो उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाया जाता है, और मुझे मालूम है जब तेरी आत्मा शरीर त्याग करेगी तो तुझे बड़ा कष्ट होगा। सत्य वचन। ये तीनों पंडित के मंत्र उच्चारण से तेरी आत्मा की शुद्धि होगी और तुझे मोक्ष प्राप्त होगा बच्चे। सत्य वचन। मोक्ष मैं दिलाता हूँ। अभी तक मंत्र उच्चारण शुरू नहीं हुआ। पंडित जी, इति नतम नतम श्री गणेशाय करम स्वाहा। Oh,
किसी मजदूर का पैसा मारेगा? नहीं, अभी मुझे मत मारो बस। जब तक तू झम्पू का पैसा नहीं देगा, तेरी एक एक हड्डी तोड़ूंगा। मेरा स्वाह मत करना, अभी पैसा देता हूँ। मेरे स्वाह के लिए कुछ तो छोड़ दो। कार्य समाप्ति। कार्यम समाप्तम। इसका मतलब दादी घर में नहीं है। हाँ, तू ये पूछना चाहता है मैं कहां से आ रहा हूं, तो बात ये है, वो अपना झम्पू नहीं है, उसको सलाह दर्शन में बहुत धोया क्या, तो अपन ने भी ऐसी पिटाई की कि उसकी नानी याद करवा दी। और दादी को भूल गया, फिर कहीं मारामारी करके आ रहा है। दादी पहले क्यों नहीं बताया मैं? बस बस, ये कोई शरीफों के तौर तरीके नहीं होते हैं कि कभी मार रहे हो और कभी पिट रहे हो। माशाल्लाह जवान हो, समझदार हो, कोई ऐसा धंधा करो कि जिसमें ये हुई मारामारी ना हो। अरे दादी, अपुन के धंधे में मारामारी नहीं होती है, दूसरे के धंधे में मारामारी होती है। लेकिन अपुन के धंधे को मंदा करने के लिए जो कोई टकराता है ना, तो धंधे में मंजा, मंजे में धंधा, धंधे में मंजा, मंजे में धंधा, धंधे में मंदा, मंजे में धंधा, धंधे में मजा। उल्टी सीधी बातें करके मुझे बहलाता है, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तुम तीनों की हरकतों को अच्छी तरह समझती हूँ। दादी मैंने कोई बुरी हरकत की? चुप रह। बड़ा भोला बनता है, जैसे इन तेलों में तेल ही नहीं है। गजब खुदा का, तीन तीन जवान पोते और दादी की एक भी खिदमत नहीं करता। वो अकबर दिन के 12 बजे जाता है तो रात के 12 बजे लौटता है, और ये राम, इसका तो कोई वक्त ही नहीं है। पित्ते भर के थे जब से तुम तीनों को पाला है मैंने, और इसका ये नाम मिल रहा मुझे। अब तुम ही बताओ दादी, हम क्या करें? थप्पड़ मारूंगी, बहुएं लेकर आओ ताकि मैं हज करने जाऊं और अपनी आखिरी उम्र अल्लाह अल्लाह करके गुजारूं। अरे दादी ये भी कोई परेशान होने की बात है, राम भैया तो उसी का बंदोबस्त करने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट? हाँ दादी, मार्केट में बहुत अच्छी बहुएं मिलती हैं। तुम्हारी धांधली बहुत पुरानी हो चुकी है साहब। अरे हम गरीब लोग अपने छोटे छोटे बाल बच्चा के गांव में छोड़कर शहर में यहाँ रुपया कमाने के लिए आए हैं, कुछ कमाने के लिए नहीं। हम बिना पैसा के भाजी नहीं देंगे साहब। मंगू दादा को जानता नहीं है क्या, नया आया है? हाँ हाँ, जो भी हो तो समझ लो। हाँ उस्ताद। कितने की भिंडी है रे? 4 रुपया के हिसाब से 10 किलो के 40 रुपया भैया सरकार। 40 रुपये? हाँ साहब। देता हूँ। हाँ। आ जा। अच्छा गिन। अरे बाप रे, अरे मर गए। एक। दो। ऐसा चाहिए। तीन। अरे कोई हमारा बचाओ, 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 बचाओ। 5, 6। राम राम राम। 7। तू कौन है बे? मालूम था नहीं पहचानेगा,
कभी मंदिर गया होता या रामायण पढ़ी होती तो पहचान जाता कि हम कौन हैं। समझा, तू कभी जेल नहीं गया, नहीं तूने किसी थाने में मेरी फोटो देखी, वरना पहचान जाता और हाथ पकड़ने की गलती नहीं करता। पहचान तो हम दूर से गए थे, लेकिन उस नाम की परंपरा बनाए रखने के लिए कलयुग के इस राम को यहाँ आना पड़ा, तेरा उद्धार करने के लिए। तू मेरा उद्धार करेगा? शांति शांति शांति, तेरा उद्धार तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परंपरा अंगुली मार नाम के डाकू से चली आ रही है। वो लोगों की उंगलियां काट कर अपने गले का हार बनाया करता था। एक दिन वो मुसीबत में फंस गया और लगा चिल्लाने, मरा मरा मरा, और मरा मरा में राम राम ही सुनाई पड़ता है। इसलिए भगवान राम को उसका उद्धार करने आना पड़ा। कलयुग में हमें आना पड़ता है और आज हम तेरा उद्धार करके ही जाएंगे। राम बोलना तो तुझे आएगा नहीं, चल बोल मरा मरा। बोल मरा। मैंने तुझे हंसने को नहीं बोला, मैंने कहा बोल मरा मरा। मरा नहीं, मारा। अब तो तुझे मरा मरा बोलना ही पड़ेगा। जा। बच्चा बोल मरा। बोलता हूँ मरा राम। हाँ राम, पापी के मुंह से भगवान का नाम। राम भैया, अभी का माफ कर दे। क्या कमीने, तेरा भी उद्धार हो। धन्य हो, धन्य हो राम भैया, धन्य हो। अरे राक्षस से आपने हम लोगों को बचा लिया राम भैया। वो धन्य तो ठीक है, तुम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, आपस में बांट लेना। धन्य हो। मारा, 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 मारा। अरे 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 मुन्ने राजा, तुम क्यों राम राम कर रहे हो? हमारा भी उद्धार कर दो ना राम भैया। अरे अरे चुप हो जाओ, बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? फीस और किताब के पैसे नहीं है, मास्टर जी स्कूल से निकालने को कह रहे हैं। अरे अरे इतनी सी बात है, लो अभी लो। जल्दी कर जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। बाबूजी, राम भैया। चलो हम ले चलते हैं तुम्हें वहाँ। बाबा, दीदी, 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 क्या हुआ दीदी? बाबा बोलते क्यों नहीं? बाबा, बाबा बोलो ना बाबा, बाबा बोलो ना। मुन्ना, दीदी बाबा को क्या हो गया? बाबा बोलते क्यों नहीं? बोलो ना दीदी। मुन्ना, बाबूजी बहुत अच्छी जगह चले गए हैं, वहाँ कभी कोई बीमार नहीं होता और ना कोई दवा के लिए तड़प तड़प के जान देता है। मुन्ना, बाबूजी की मृत्यु हो गई है, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। दीदी नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे। राम भैया, आप तो सबका उद्धार करते हैं, तो मेरे बाबूजी को भी ठीक कर दीजिए ना। बोलो ना राम भैया, बोलो ना, अब मेरी देखभाल करने को कौन रहेगा? ऐसा मत बोलो मुन्ना, ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, मत रो मुन्ना। Thank you.
आज के बाद इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बगैर दवा रात पर नहीं खासेगा, कभी नहीं। राधा बेटी, क्रियाकर्म करने के लिए कुछ पैसे हैं? कोई बात नहीं बेटी, हम बस्ती वाले चंदा इकट्ठा करके। नहीं चाचा, मेरे बाबा की क्रियाकर्म चंदे के पैसों से नहीं होगी। आप तैयारी कीजिए, मैं अभी आई। मुझे इन बालियों के बदले पैसे चाहिए। मैं इसके 500 रुपए दे सकता हूँ। दीजिए। ये लीजिए 500 रुपए। मुझे ये बालियां चाहिए। ये लो तुम्हारे। अरे आने दो, आज टांगे ना तोड़ दी तो मेरा भी नाम नहीं। दादी, क्या बात है दादी, गुस्से में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, आईना दिखाओ। चुप कर नालायक, तुम लोग समझते हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। क्या हुआ दादी, अकबर ने फिर तुम्हारे पानदान से पैसे निकाल लिए? पानदान के बच्चे बोल राम कहाँ है? आज अगर उसकी वजह से इस घर पे उंगली उठी तो मैं अपनी जान दे दूंगी या फिर उसकी जान ले लूंगी। आने दे उसे, आज मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दादी, भैया से कोई भूल हुई क्या? भूल उससे नहीं, मुझसे हुई है। तुम दोनों को इतनी आजादी देकर, ये देख ये सोने की बालियां निकली हैं उसकी जेब में से। दादी, हो सकता है भैया तुम्हारे लिए लाए हूँ। मेरे लिए? हा? मुझे सिखा रहा है। अरे ये जरूर उसी के किसी होती सोते के लिए होंगी। आने दे, आज उसे घर से नहीं निकाला तो देखना अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। दादी, भैया से नहीं कहना, ये बालियां मैंने उनकी जेब में छुपा कर रखी थी। तूने? हाँ दादी, एक लड़की है बहुत अच्छी है, मेरे को ना उससे वो हो गया है। क्या? प्यार। बेशरम, बेगैरत, शादी से पहले इश्कबाजी करता है, इस घर को बदनाम करता है। जा, निकल जा, निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ दादी? भैया क्या है कि दादी बहुत गुस्से में और मुझ पर उतार रही हैं। राम, अब ये जवान हो गया है, लड़कियों पे टोरे डालने लगा है, उनके लिए तोहफे लाता है, ये देख। अरे ये बालियां तुम्हें कहाँ से मिली? इस निकम्मे ने तेरी जेब में छुपा के रखी थी। लक्ष्मण ने? अरे नहीं दादी, ये तो मैं लेकर आया था। तू? हाँ दादी, एक मजबूर लड़की अपने बाप को कफन देने के लिए बेचकर जा रही थी, मैंने सुना से ले ली कि मौका पाकर वापस कर दूंगा। ये तो बड़ा अच्छा किया तूने, लेकिन लक्ष्मण झूठ क्यों बोला तूने? मैं डर गया था दादी, मैं समझा कहीं आपकी नजरों में भैया गिर ना जाएं। लक्ष्मण, मुझे बचाने के लिए तूने इल्जाम अपने सर ले लिया। तुम्हारा भाई जो हूँ, अरे इल्जाम तो क्या, लक्ष्मण के रहते हुए कोई भी मुसीबत राम के पास नहीं आ सकती। लक्ष्मण मौला, मेरे राम और लक्ष्मण की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखना। अरे वो दादी अकबर को भूल गई? अरे उस निकम्मे की तो बात ही मत पूछ, होटल पे एक मिनट नहीं जाता है, न जाने कहाँ घूमता रहता है, आज भी सवेरे से न जाने कहाँ गायब है। अरे हट, काले कपड़े पहन के सलाम करता, काला बाजारी करता, और आपको ब्लैक में टिकटे लेते हो, शर्म नहीं आती? गेट आउट फ्रॉम हियर। अबे साले चल, अबे टिकटे तो छोड़, हट हरामखोर। ओ अच्छा, तो वहां भी ब्लैक हो रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जमाने में काला बाजारी है? ये तो है बीमारी, इसका इलाज है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी? भागे 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 भागे, मैदान खाली है। पुलिस का नाम काली है, सबने अपनी राह ली है, और मैदान भी खाली है। आजा पार्टनर जेनी। दो का दस।
हाउसफुल हाउसफुल हमारा परंपरी पांच का बीस पांच का बीस पांच का बीस पांच का बीस हाउसफुल हाउसफुल पांच का बीस पांच का बीस पांच का बीस पांच का बीस हाँ हाँ देता है चल माल निकाल चल दो का दस अमिताभ बच्चन पांच का बीस अमिताभ बच्चन पांच का बीस अमिताभ बच्चन पांच का बीस दो का दस अरे हाथ छोड़ दो का दस चल चल जल्दी कर टिकट ले अरे शो का टाइम हो गया दो का दस अरे जल्दी जल्दी मालिक आ माल है ए दो का दस छोकरी छोकरी इधर आओ हाँ तुम बोलो सेठ दो का दस पांच के बीस किधर बैठेगा जल्दी बोल हम तो बैठेंगे पहले तू बैठ जा माल देख के लेना चाहिए सेठ देख रहे हैं अपुन टिकट का ब्लैक करता है सेठ इज्जत का नहीं गलती हो गई माफ कर दो बस चाकू देखते ही तेजी भूल गया चल अभी फुट जा नहीं तो इस चाकू को ना काटने का बहुत शौक है चल फुट आए क्या बम का गोला है तू अभी तक गया नहीं अब वो सिग्नल चालू नहीं है सिग्नल तो नहीं तो अरे जाता हूँ चल मेरे बाप जल्दी चल मनमोहन देसाई पांच का बीस मनमोहन देसाई पांच का बीस लेता है क्या मनमोहन देखा क्या काले नहीं बे पीके काले बॉल पीके तो लाल होते हैं आप काले कैसे लाल तेरे को अभी मैं बनाता हूँ तेरा धंधा बन नहीं हुआ अभी तक सर हफ्ते में दो ही बार तो चलता है और वो हफ्ता तेरा पूरा हो गया अब चल मतलब पिछले हफ्ते ही तो दिया था वो माल नहीं पहुँचा अभी तक ये भी गया हवलदार साहब ये पुलिस वाला नकली है मगर ये वर्दी तो असली है ना अरे कम से कम इसका तो इज्जत रखो आज जाने दो कुछ कमाने दो कल से देखना ब्लैक में तो क्या व्हाइट में भी टिकट नहीं बेचेगा ये सब थाने में जाके बोल दो बहुत कड़क है चलेगा बस अब क्या होगा अकबर मुझसे क्या पूछती है क्या होगा आइडिया तुम्हारा था अपुन का आइडिया था अपुन तेरे को किधर बोला वर्दी डालने को वर्दी डालने को नहीं बोला मगर हवलदार बनने को तो बोला था ना अपुन बोला था तुम सीटी मारो सब भाग जाएगा अरे सीटी लेने ही तो गया था मेरी माँ मगर वो ड्रेस वाले ने वर्दी भी दे दी और ये मूछ भी दे दिया मेरे को तू रख ले क्या ए गब्बर सारे तुम लोग चल पूरी गब्बर चल ए गब्बर से चल पूरे हो चल चले पूरी गब्बर हम ये सोच रहे हैं कि सोच एक का बंद करो हमें कौन निकालेगा इधर से अरे घबराओ मत मेरी माँ हम खानदानी मददगार हैं अरे हमारे दो भाई हैं और उनमें से लक्ष्मण भैया वो तो बहुत ही भोले हैं वो जरूर आएंगे और मुझे निकाल कर ले जाएंगे और मेरे को अरे तुमको भी मेरी बात तुमको भी हाँ साहब क्या गुनाह किया आपने कोई गुनाह नहीं किया बंद कर दो इसे लेकिन अपन ने कोई गुनाह नहीं किया साहब देखिए मैं भाई का जमीन देने आया हूँ जमीन देने को आया पहले बोलता का कुनी किसका जमीन देने आया रे तू जलालुद्दीन लोग उसे अकबर बोलते हैं अकबर थाने में मुगले आजम करता है इंस्पेक्टर का मस्करी करता है अंदर कर दूंगा अंदर नहीं साहब कसम से बोलता है उसका यही नाम है ठीक है नाम बताओ लक्ष्मण पता खेतवाड़ी चौदहवीं गली ए कालिया ये क्या हो रहा है साहब ये क्या हो रहा है शुक्रिया मेरा डायलॉग बोलता है हवलदार पीके काले अकबर को बाहर लाओ जी साहब शुक्रिया साहब क्या नाम बताया लक्ष्मण पता खेतवाड़ी चौदहवीं गली अंदर लेके जाओ अपन ने क्या किया साहब क्या किया अरे बोल क्या नहीं किया दर्शन को मारा उसका गैरेज तोड़ा साहब का गाड़ी फोड़ा हमारा कानून तोड़ा आगे सब अपन समझ गया अपन खुद अंदर जाता है तुम जरा धक्का मार देना आइए तशरीफ लाइए गरीब खाने में तशरीफ लाइए जेनी ये है मेरे भाई खानदानी है लक्ष्मण भाई बहुत भूला किधर ब्लॉक करता है
लक्ष्मण भाई ये है जेनी मेरी पार्टनर। वो धंधे में घाटा हुआ तो रोटी का आटा हुआ तो यहाँ तशरीफ ले आए। छोकरी अच्छी है मगर स्कर्ट के नीचे छुरी है। छुरी छुरी क्यों? वो तो पता नहीं, इसकी छोड़ो। अब ये बताओ यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे रे रे निकलेंगे कैसे? अभी अपन का देता सामान भाई आएगा और अपन को छुड़ा कर ले जाएगा। बिशाना ने तो अभी तक पुलिस स्टेशन का रास्ता तक नहीं देखा, लेकिन क्या है मुझे अपन की चिंता नहीं, मुझे तो इस बेचारी की चिंता है। तुम और मैं एक साथ जेल के अंदर। डॉलिंग साहब, मैं अपने भाई की जमानत देने आया हूँ। घर में बीवी और बाहर ये लोग, चैन से रहने नहीं देंगे मुझे। नाम बताओ भाई का। लक्ष्मण। और तुम्हारा? राम। राम लक्ष्मण रामलीला करता है क्या? पता बताओ, पता बताओ। बैठी चाल चौधरी गली खेतवाड़ी। हाँ कालिया, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो? बस बहुत हो गया ये आपके अला आपके अंदर। लेकिन साहब मैंने किया क्या? क्या नहीं किया ये पूछो। सब्जी मंडी में सुबह सुबह गड़बड़ कर दी, मंगू को मार मार कर उसके छिलके निकाल दिए और पूछता है क्या किया आपके अला। लेकिन साहब, लेकिन कैलेंडर चल। राम भैया आप, तुम्हारा देवता भी अंदर हो गया। इसे कहते हैं भाई, क्या है मोहब्बत ने भाई, हम न गए बाहर तो अंदर आ गए भाई। क्यों नहीं, खानदानी है ना। राम भैया, राम भैया ये है जेनी। बहुत अच्छी जेनी, ये है मेरे बड़े भाई राम। ये किधर टिकट ब्लैक करता है? राम भैया, राम भैया, राम भैया, मुसीबत ये है कि हम सब लोग बाहर कैसे निकलेंगे। हाँ बाहर निकलना तो मुश्किल ही है, कहीं हमें छुड़ाने के लिए दादी को आना पड़ा तो। दादी? इंस्पेक्टर साहब मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, आप मेरे तीनों पोतों को छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी। बेटे और देर मत कीजिए, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इतना इमोशनल क्यों बन रहा हूँ? माँ जी आपने तो इस जीवी परब को परेशानी में डाल दिया, एक तरफ आपकी नमाज और दूसरी तरफ हमारा कानून। कानून? कानून तो इंसान ने बनाया है बेटा, और नमाज खुदा ने। अगर खुदा के नाम की इज्जत रखोगे तो इंशाअल्लाह कमिश्नर बन जाओगे बेटा। कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओ जीवी परब कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या बात है, क्या बात है। माजी आपने मुझे ऐसी दुआ दी है कि मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। गालिया जी सर, छोड़ दो सबको, छोड़ दो। ये क्या हो रहा है सर? शट अप एंड गेट आउट जी। और सुनो जल्दी से आओ और फिर हमारे पैर दबाओ, क्या? हम बहुत जल्द कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने वाले है ना माजी। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं सर? गेट लॉस्ट। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। चलो आ जाओ। राम दादी भैया। थैंक यू दादी, आज तुम इधर नहीं आता तो अपन इधर ही मर जाता। जेनी तुम मरने की बात मत कर, मेरे दिल के अंदर कुछ होता हो। माशाल्लाह थोड़ी देर का साथ रहा तो ये हाल है, 2-4 दिन साथ रहते तो गजलें कहना शुरू कर दोगे। जाता है दादी, फिर मिलेगा। जेनी तू अकेली जाएगी इतनी दूर, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। लक्ष्मण चल इधर, तेरी तरह घर चलेगा क्या, खाएगा डंडा। अच्छा दादी बाय लच्छू। लच्छू बाय जेनी। जी चल घर चलता हूँ। समय के साथ मुबारक हो, फिर मिलेंगे। लवली लवली। मुबारक हो, खुश आमदीद। क्या है मियाँ, फिर सर्कस दिखाने को आ गए? जैसे कुत्ता हड्डी को झिंझोड़ता तुम मेरे जुआ खाने को तोड़ने को घड़ी घड़ी को आ जाते क्या? खामोश, बकवास बंद, बकवास बंद। दो मरतबा बंद? अरे होकारी बादशाह तुम भी ये पागलपना बंद करो ना, काय को गरीबों को सता रहे मियाँ? इसलिए कि मुझे गरीबों से नफरत है, मैं उन्हें कीचड़ में उगी हुई घास की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा, फेंक दूंगा। कितों को उखाड़ेंगे मियाँ, हिंदुस्तान में गरीबों की आबादी 100 करोड़ है, तुम्हारे हाथ 2 हैं,
ये दो हाथ आंख 100 करोड़ को नहीं उखाड़ सकते, और अगर उखाड़ने की कोशिश किए तो हाथ आंख उखड़ जाएंगे, गरीब नहीं उखड़ने वाले। देखो पाशा के बच्चे बच्चे। अरे बच्चे तो तुम हो मियां, पाशा को बच्चे कहाँ है, नहीं है। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा खींच लूंगा। ये मैं तुझको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ दे रहा हूँ। इस इलाके के अंदर हमारी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता हिल सकता। अच्छा आप दिन भर घर पे बैठ के पत्ते हिलाते रहते हैं क्या मियां? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। क्या? इस इलाके के अंदर कोई शराब खाना कोई जुआ खाना नहीं चल सकता। अगर चल सकता है तो सिर्फ अजीत सिंह का, यानी कि मेरे बाप का बाप का। बाप का बाप का? तुम्हारे दो बाप हैं क्या मियां? ये माँ का काम भी बाप से चला रहे थे क्या? चल माँ का एक और जरा नजरें मिला मियां। यहाँ देखो भाई। एक मिनट। क्या ढूंढ रहे? मैं खोल के दूं। क्या है? चाकू। अच्छा, और इसी चाकू से तेरी जबान काट कर सिगरेट की तरह पैरों तले मसल दूंगा मसल दूंगा। इतना गुरूर अच्छा नहीं है मियां। आदमी सिगरेट पैर के नीचे मसल के बुझा तो देता है, मगर कभी गलती से छोटी सी चिंगारी रह जाती है, और वो आसमान को छूने वाली ऊंची फलकबोस इमारत को जलाकर राख बनाकर खदमों में बिछा देती है। ऐसे अच्छा। अब तू दोबारा ये कसीनो खोलने की कोशिश कर, इसी के ढेर में तेरी लाश तेरी कब्र न बना दी तो मेरा नाम मंजीत नहीं मंजीत नहीं। मेरा बाप बहुत कंजूस है, आपके पास 100 रुपए छुट्टे हैं? है? ये भीख मांगने की आदत गई नहीं तुम्हारी, छोड़ दो, शहर के फकीरों को बुरा लग रहा है, हड़ताल पे जाने वाले वो लोग। अच्छा है? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। लेको जाओ किराए के टट्टुओं को। ए, 2 की 10 2 की 10। उस दिन चाकू दिखाती थी है। मैं आज तुझे इतनी प्यारी सी चीज दिखाऊंगा दिखाऊंगा कि तेरे को मजा आ जाएगा आ जाएगा। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी रानी। अरे मैं कुत्ता, मेरा बाप भी कुत्ता, और आज मेरी माता की तरह मैं तुझे जान से मार डालूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे इसे। ए कौन है तू, कौन है तू? श्री राम का भाई लक्ष्मण। जरे घबरा मत, अपन आ गया। अरे भाई क्यों, कबाब में हड्डा बनता है बनता है, थोड़ा मजा लेने देना लेने देना। मजा मजा तो तुझे ऐसे चखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर याद रखूंगा रखूंगा। जरे तू बिट्टू को लेके घर जा। अरे मत जा, मैं इसे जहन्नुम पहुंचा के आता हूँ। ये लक्ष्मण किसको मारा मियां? हाँ ये अजीत सिंह का पिल्ला है हराम का। और मारे लक्ष्मण, जब देखो तू मारा मारी करता रहता है, दादी को मालूम पड़ेगा तो। भैया एक मिनट बिट्टू तू ही बता, एक मजबूर और खूबसूरत लड़की की इज्जत लूटते देखकर राम का भाई लक्ष्मण कैसे चुप रह सकता है? अबे बिट्टू, पाशा इन्हों बिल्कुल ठीक बोल रहे पाशा। अरे आओ पाशा आओ, कैसे आना हुआ? बच गया, आप आ गए। मदद के लिए आया पाशा। बड़े की जैसी उंगलियां चलती है, छोटे का घूसा उससे भी तेजी से चलता है। इन्हों आज एक पोटी की इज्जत बचाए मैं। अच्छा अरे भाई किसका है? श्री राम का। अच्छा बादशाह ये बताओ तुम हमसे कैसी मदद चाहते हो? बादशाह
जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प कर जाती ना, वैसे बड़े कैसेनो का मालिक अजीत सिंह हम लोगों का धंधा हड़प कर जाना चाहता है। ये अजीत सिंह कौन है? जिसका मुर्गा बना के आया आप, उस हरामी का बाप। बेटा लड़कियों पे बुरी नजर डालता, बाप छोटे धंधे वालों को बर्बाद कर डालता। लेकिन उसने तुम्हारे साथ किया क्या है? अरे बादशाह ये पूछो ने क्या नहीं किया। मेरा कैसेनो तोड़ दिया, मेरे कस्टमर आने को डरते। तुम्हें मेरी मदद करो, जो भी आमदनी होगी हमें लोग आपस में बांट लेंगे। बादशाह अपना ही आदमी है। हाँ बोल ले भाई। हाँ बादशाह हमें भी तुम्हारे ही आदमी है। ना नखो बोलो। हाँ बोलो बादशाह। ठीक है तो फिर अजीत सिंह का कसीनो देखना ही पड़ेगा। मतलब उस मार खाए मुर्गे से फिर मिलना पड़ेगा। आए, आए। सर कहीं चोट तो नजर नहीं आती? अरे ये अंदर की चोट बहुत बुरी होती है। आए। बता नहीं अंदर क्या क्या तोड़ दिया? अरे अंदर तो थोड़ा सा तोड़ा, लेकिन ये मेरे पीछे क्या है? पीछे घुटना है। ओ ठीक है, अगर दूसरा कोई होता तो उठ भी नहीं पाता। तो मैं कौन सा उठ पा रहा हूँ? अपना घुटना पीछे कर। सर बड़े सरकार को मालूम हो गए तो? कैसे मालूम हो जाएगा? ये मेरा बाप है कि सांप है। उसका नाम सुनते ही मेरी समझ गया। समझ गया सर। एक मिनट, बड़े सरकार का फोन है। हेलो सर, फोन उधर है। इधर। हेलो, गुड इवनिंग। घबराए हुए क्यों? सब ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक है। मेरे आने की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप किधर आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखो बेटा त्योहार का मौका है, हमारे एजेंट्स बड़ी बड़ी असामियों को फंसा कर जुआ खिलवाने लाएंगे, उनके अरेंजमेंट्स फर्स्ट क्लास होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंजीत एक बात का खास ध्यान रखना, जीतने वालों को फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट की जाए। फॉरेन करेंसी अगर नकली भी निकले तो कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। नकली नोट तैयार है ना? कोई तैयार नहीं है। क्या बक रहे हो? अरे मेरा मतलब है सब नकली नोट तैयार है। डैड मैं जानता हूँ, होली सर के ऊपर है, होली का मौका है, हमारे कसीनो में नकली नोटों की बहुत जरूरत है। बकवास बंद करो और जाकर चेक करो कि नकली नोट तैयार है कि नहीं। इडियट। नकली नोट तैयार है। सर यहाँ फॉलो मी। क्या चाहिए तुम्हें? अरे इसमें तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे बाप की फोटो छपी है। अगर ऐसे नोट मार्केट में जाएंगे, मेरा बाप तो अंदर जाएगा, साथ में मैं भी अंदर जाऊंगा। ये सब नोट उठा के भट्टी में जलाकर राख कर दो। सुनो, उस नई डाई का इस्तेमाल करो जो अभी मैं बाहर से लेकर आया हूँ। ये पुरानी डाई क्या है कि थोड़ी सी घिस गई है। समझ गए? नहीं मैं डरो मत। नकली नोट छापने का इंतजाम करो। सर ऊपर सब कैसीनो में आपका इंतजार कर रहे हैं। काउट। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी जेब और अपना दिल खोलकर खेलिए जुआ। लिली शैंपेन इसको पकड़ो। दोस्तों आपकी सेहत और जीत के नाम ये जाम। खुल जा। दस हजार, ये 20,000 का, 10,000 मारो। कपूर साहब। हेलो मंजू। सुना आपने चौथी शादी भी कर ली? जी हाँ। पीठा। हाउ आर यू पीठा? फाइन। सुना है कि चरस का बहुत बड़ा माल आ रहा है, थोड़ा सा मुझे भी। बड़ा बकरा आ गया है। हलाल हो जाएगा। राजा साहब।
क्या बात है राजा साहब, बहुत दिनों बाद आए आप इधर। क्या बताएं, सरकार ने हमारे यहाँ रेड मार दी थी, माल जरा कम था। अरे कोई बात नहीं राजा साहब, आप इधर माल कमाइए ना कमाइए ना। आइए भाभी जी। मंजित डिकरा। डिकरा? मंजित डिकरा। यस। अरे मंजित डिकरा, सु हाल चाल चेतारो। आप लोग? अरे सुवात करेच डिकरा, तम मैं मन नती पहचानो। अरे हूँ रुस्तम जी पेस्तन जी डिकरा वाला। अरे सॉरी सॉरी, मिस्टेक थई गई, रुस्तम जी पेस्तन जी क्रू वाला। मैंने आपको पहले 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 हमरे भाई से मिलो जयस्तम जी 20 साल पहले, जब कुमका मेला में भाइयों का बिछड़ने का फैशन रहता था ना, उसी जमाने में ये हमसे बिछड़ कर वेस्ट इंडीज चला गया। देखो ना साला कितना बदल गया रे। जो ना ने, अरे जो जो ये इतना हिलता था क्यों है? अरे तू हिलना बंद करके बोलना, तेरे को जो बोलने का है दूसरी बात बोलो ना। अरे बोलते ना, इतना घाई काय को करता है। अरे डिकरा मंजीत, ये वेस्ट इंडीज जाकर बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया, काली चरण। छी, ये काली चरण है? वाइच वाइच चक्कर, मशहूर क्रिकेटर काली चरण। चक्का चक्का में भी क्रिकेट खेलता है। खेलता है ये, किसको बुद्धू बुद्धू बनाता है ये काली चरण? नहीं है, नहीं है। देख रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बिग ब्रदर सारा सिंह तुम करेगा क्या बीच में? नहीं दम्मे बात करो, नहीं दम्मे बात करो। क्या रे, अपन कालीचरण नहीं है? यू सी आई सीन कालीचरण, कालीचरण ऑन द टेलीविजन, तुम कालीचरण नहीं है। ए कालीचरण नहीं है, वो जो साला तुम्हारा टीवी है ना, वो साला टीवी नहीं है, वो लीडर के सिवा कुछ नहीं दिखा था। और अगर अपन कालीचरण नहीं है ना, मैं तो साला तुम्हारा बैट से तुम्हारा बैट से तुम्हारा दिख रहा। वो तो मेरे को पहले से बोला था कि सोते में भी एज करता रहता है, तू की नगरे तारा गुस्सो। साले का हाथ है कि हथौड़ा हथौड़ा, लगता है ये हाथ मेरे थोपड़े पे पहले भी लग चुका है। तुम साला लोगों को इधर कौन बुला? तुमने नहीं बुला तो तुम्हारा बाप ने बुला होगा। ओ मेरे डैड के गेस्ट है, गेस्ट है। कम ऑन, फॉलो मी टू द रॉयल कैसीनो। आप लोग मेरे डैड के गेस्ट है, गेस्ट है। बोलो क्या खेलोगे, क्या खेलोगे? तीन पत्तों का मानू चे फ्लाई। आप लोग जरा बैठिए बैठिए। सोनिया सर, इनको दे दो काउंटर। ओके सर, ऑल द बेस्ट बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ये हिलता बहुत। जयस्तम जी, पैसा आपने? 20,000 लीजिए, डील प्लीज। तमे रमो? आप ही कीजिए। हूँ रमो, आवादे आवादे। जयस्तम जी 2,000 चलो पैक, 3,000 जयस्तम जी 3,000 5,000 जयस्तम जी 5,000 10,000 जयस्तम जी पैसा खत्म। अब मारो डिकरो कंटाली गया छे, तमे शो करो, मोकलो 10,000 इक्का, आजो एक बादशाह, आजो दूसरो एक रानी। आई मरी गयो, एकदम गंदो पत्ता आवी गयो। जयस्तम जी हरवानु छे? नहीं, पच्ची फाड़ो ने बीजो आपो मने। आप बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, हमें लोग बेईमानी नहीं करते। बेईमानी नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? नहीं, अरे जा, हमें लोग
आज ड्यूटी पर आए लच्छो, हमें जो साहब बोलेगा हम वही करेंगे। क्यों ये? पूछो साहब से। पब्लो, तुमको बोल रहा है कि मुझको? जी नहीं, आपको बोला है। इधर आ। ए, ये क्या हो रहा है? मुझे पप्लू किसने कहा? आप हमारे साथ धोखा करते हैं, आप ही के आदमी रखकर हमें लूटते हैं। ये आपके आदमी है? ये सरासर धोखाबाजी है, ये सरासर हमारी बेइज्जती है। मेरे आदमी? ए, तुम लोग कौन हो? कौन हो? ए डिकरा, हूँ तुम्हारा आदमी छू ना। तुम्हारा एक आदमी है ना? ए, तुम लोग ये क्या बकते हो? बकते हो? हमें बकते बकते नहीं साहेब। हाँ, आपने हमको बोला ये टोपी पहनो हम पहना, ये चश्मा पहनो हम पहना, ये मुच्छी पहनो हम पहना, ये दाढ़ी पहनो हम पहना, और पारसी बन गया। हाँ, हुजूर माई बाप, तुमने तो कहा था ये विग पहन के, ये दाढ़ी पहन के, ये मूछ लगा के वेस्ट इंडीज का कालीचरण बन जाओ, तो अपन बन गए। हाँ, लक्ष्मण। हाँ, श्री राम का भाई लक्ष्मण। ये कलयुग के राम और लक्ष्मण को ऊपर के राम और लक्ष्मण के साथ मिलाना पड़ेगा। अटैक अटैक! अरे 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 समझा। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नहने। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नहने। तुत्तुरुरुरु चल हो जा शुरू, तुत्तुरुरुरु चल हो जा शुरू, दे धर के ऐसी के मांगे ये पानी। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नहने। तुत्तुरुरुरु चल हो जा शुरू, दे धर के ऐसी के मांगे ये पानी। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नहने। धन दे धना धन, दम दम बचा दे युद्ध का डंका, तोड़ के रख दे दुश्मन का। दे धना धन दम दम बचा दे युद्ध का डंका, तोड़ के रख दे दुश्मन का। फूक के रख दे रावण की लंका, अखबारों में सबकी जुबा पर वो कल ये कहानी। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नानी। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नानी। नीचे गिरा दे लंगड़ी, अरे लंगड़ा बना दे, ए, ए, तोड़ दे पंगड़ी। नीचे गिरा दे मार के लंगड़ी, लंगड़ा बना दे तोड़ दे पंगड़ी। हाथों में इटके पहना दे बंगड़ी, जब तक जिए और याद करे दे जा इसे कोई अपनी निशानी। राम ने कही लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नानी। तुत्तुरुरुरु चल हो जा शुरू, दे धर के ऐसी के मांगे ये पानी। राम ने कही लक्ष्मण
आज 20 साल में पहली मरतबा इतना दिल खोल के हंसा हूं मैं। अरे वो अजीत सिंह को जब ये पता चलेगा तो नारे पे रखी मुर्गी की तरह फड़फड़ाने को लग जाएगा उन्हें। इस अजीत सिंह से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी लगती है। 20 साल से पाल पोस को जवान करके रखा उस दुश्मनी को मैं। इसने क्या किया था तुम्हारा? जाने दो मियां, अभी आंख में हंसी के आंसू हैं, कहानी सुनाएंगे तो दुख के आंसू निकल जाएंगे। कहानी फिर कभी सुनाते, तुम अपना माल पकड़ो। कौन बोल रहा है? बोल रहा है, अपने बाप की आवाज नहीं पहचानता इडियट। अरे बाप रे, मेरा बाप, मेरा बाप। तू क्या समझता है कि मैं हांगकांग में बैठा हूं तो मुझे कुछ खबर नहीं मिलती? मुझे सब पता चल गया है। तेरी वजह से लोग मुझ पर हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दो मामूली से आदमी मेरे कैसीनो को तोड़कर मेरी शोहरत और नाम पर थूक कर चले गए और तू और तेरे आदमी उनका कुछ नहीं कर सके। अरे डैडी, वो दो आदमी बहुत थे, बहुत थे, बहुत थे। उल्लू के पट्टे, अब गैम्बलिंग किंग अजीत सिंह के कैसीनो पे जुआ खेलने कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आएगा, आएगा, आएगा। शराब, 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 शराब। अब एक ही तरीका है, उन दोनों की लाशें सड़क पर मिले, खत्म कर दो उन दोनों को। मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और अगर नहीं किया तो तुम जानते हो कि मैं किसी को कभी मुआफ नहीं करता। रिलैक्स डार्लिंग। बाप रे, ये बाप है कि सांप है? सांप है। माय गॉड, माय गॉड। लच्छू तुम? हाँ मैं। और अपुन ने सोच लिया, आज से तेरा बाहर जाना और टिकट ब्लैक करना बंद। क्यों, तुम पुलिस का हवलदार हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, तेरे से प्यार हो गया है, अपुन शादी का प्रोग्राम बनाना चाहता। सॉरी लच्छू, आज अपुन का प्रोग्राम दूसरा है। तेरी बात सुन के शर्माने का टाइम भी नहीं है, ठीक 5 बजे पहुंचना है। बाय बाय। अपुन तेरे को कहीं जाने नहीं देगा। आज अपुन का जाना बहुत जरूरी है। 1 साल तक हर दिन जिसका पिक्चर आंख के सामने रखा, आज वो अपुन के सामने आएगा और अपुन उसका गले में माला डालेगा। तू किसी और के गले में माला डालने वाली है क्या? फिर नहीं तो क्या, तेरे गले में डालेगा। लच्छू मेरी बात मान, तू भी चल। तेरे को मालूम है ना, आज अमर अकबर एंटोनी का सिल्वर जुबली है, इसलिए ब्लैक में टिकट बेचने वालों की एसोसिएशन की तरफ से अपुन मनमोहन देसाई को फूलों की माला पहनाने को जाता है। सब ब्लैकर लोग आ रहा है, तू भी चल। तू मनमोहन देसाई को माला पहनाएगी? हाँ। ए जेनी, ये अपुन की इज्जत का सवाल है क्या? तू अगर किसी और के गले में माला डालेगी ना तो अपुन भी किसी और के गले में माला डाल देगा, समझी? तू मेरे को धमकी देता है? अरे अभी तो धमकी दे रहा हूँ, एक बार शादी बना लेगा ना फिर मत बोलना लच्छू तूने किया। अरे जा जा, तू क्या शादी बनाएगा, तेरे से पहले अपुन बना लेगा। मेरे सिवा तुझे पूछने वाला कोई है क्या? तुझसे ज्यादा प्यार करता है मेरे से, तेरे से ज्यादा तकड़ा है, तेरे से ज्यादा माल है उसके पास। मुझको एक टाइम देखता है ना 10 टाइम टंडी सांस लेता है। किसकी बात कर रही है तू? वो अपना भूतनाथ है। भूत? तू भूतनाथ? हसले हसले, जब अपुन उसकी दुल्हन बन के जाएगा ना तो बहुत रोएगा लच्छू। बाय बाय। ये भूतनाथ से शादी करेगी क्या? नहीं 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 नहीं। आ गया। क्या बोलना चाह रहा है? पाल रुमाल मतलब खतरा? नहीं नहीं, तू ऐसा मत बोल। तू ये बोलना चाह रहा है जेनी भूतनाथ से शादी करेगी? नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जेनी! अरे 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 अरे, तेरा सवा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तनहा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी, बेवफा, बेरहम, बेमुरव्वत, तेरी ये हिम्मत। देखो मेरा जनाजा निकला, मेरी जान की निकली डोली। देखो मेरा जनाजा निकला,
खेल के हो शमशान आ जाए शमशान नहीं तो तूफान 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 आ जाए दूल्हा घोड़े से गिरे उसकी टांग टूट जाए
मैं मुन्ने को ही ढूंढ रहा था, कहाँ है वो? अच्छा, मैंने मना कर दिया तो उसने आपसे फुटबॉल मंगवा ली? नहीं नहीं, उसने नहीं मंगाया, मैं खुद ही लेकर आया हूँ। एक बात पूछूं, आप हर एक की मदद इस तरह छुपकर क्यों करते हैं? मदद और प्यार दुनिया को दिखाकर नहीं करना चाहिए। इतना भी नहीं छुपाना चाहिए कि जिसे प्यार किया जाए उसको भी पता ना लगे? प्यार तो आंखों में दिखाई दे जाता है। ये किताबें लेकर कहाँ जा रही हूँ? मैंने नाइट स्कूल में नौकरी कर ली है, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं चलूँ? मुझे देर हो रही है। अच्छा, हाँ बेटा ले आए, अब तुम्हें मैच जीत कर दिखाना होगा। जरूर जीतूंगा, लेकिन आपको आना होगा। अरे भाई तुम कहते हो तो जरूर आएंगे। तब तो मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। पेश है स्कूल के बच्चों के बीच फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। देखिए बॉल जा रही है, बॉल उस तरफ गई है, अब देखिए चारों तरफ से लड़कों ने उसको घेर लिया है। जोशीले बच्चों ने बॉल को किक मारी, मुन्ने ने गोल बचा लिया। तालियां। वापस मुन्ने ने किक मारी, बॉल आसमान में उड़ी, नीचे गिरी। दो अजीबोगरीब पैरों ने रोक लिया, एक ने किक मारी, राम भैया को लगी, पलट के देखा, ओहो आ गए हैं मंजीत और उसके पूरे खराब साथी। राम भैया ने इनको पहचान लिया, ये है हिंदुस्तान के मशहूर गंदे खिलाड़ी। बेशर्म मंजीत ने असली फुटबॉल को लोहे की फुटबॉल से बदलकर राम भैया को ललकारा। राम भैया ने देखा, उसने फिर बुलाया, वो नहीं आए। तब उसने अचानक बॉल को दे मारा, राम भैया गिर पड़े। बदमाशों का हमला, कमीने मंजीत और मक्कार अजीत के घिनौने साथियों ने एक एक करके निहत्थे राम भैया पर लोहे की फुटबॉल का जोरदार हमला शुरू कर दिया है। मार रहे हैं, बिट्टू खतरे की झंडी लेकर भाग खड़ा हुआ। अकेले राम भैया नमक हरामों की टोली में चारों तरफ से घिर गए हैं। बदतमीज हमलावरों में उनको अकेले पाकर और भी जोश आ गया है। चारों तरफ से बदमाशों का जोरदार हमला है। एक एक करके बार बार लोहे की फुटबॉल से वो राम भैया को मार रहे हैं। अब क्या होगा, कैसे बचेंगे राम भैया? चारों तरफ मायूसी है। अचानक घनघोर काले बादलों में एक जोरदार बिजली कड़की तूफान आया। आ गए गुरुओं के गुरु, उस्तादों के उस्ताद, महागुरु लक्ष्मण भैया। खुदा की कयामत की तरह उन्होंने चारों तरफ देखा, सिचुएशन का मुआयना किया, मौका परस्तों की गंदी निगाहों को पहचाना और भाइयों दाग दिया पहला तीर कमीने मंजीत की तरफ। बच्चों ने तालियां बजाई और मंजीत की एक दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। इसके बाद वो पलटे, अपने भाई राम को देखा, हाथ बढ़ाया और कहा, उठ भाई, तेरा लक्ष्मण आ गया। वाह लक्ष्मण भाई वाह। दोस्तों लक्ष्मण भाई राम भैया के वो मजबूत हाथ हैं जिन्होंने बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला डटकर एक साथ किया है। अरे मंजीत और गुरजीत तो क्या, रावण और कुंभकर्ण भी इनका मुकाबला नहीं कर सके। राम भैया ने जोरदार किक लगाई और मंजीत पलटी खाकर गिर पड़ा। बॉल वापस लक्ष्मण भैया के पास आ गई है और उन्होंने पेनल्टी से फाइनल किक लगा दी। गिरे हुए मंजीत जी, इस तरह बुरी तरह गोल हो जाने पर आप चंद लफ्जों में अपनी राय पेश करेंगे? हैं हैं हैं, कुत्ते की तरह हाँप रहे, समझ में नहीं आया? ओहो आपकी बोल दी बंद है। अब देखिए राक्षसों को गिराना शुरू किया। गोल, बच्चों का शोर है, राजा भी खुश है। गोल, राक्षसों को गोल, गोल, बाबा लंबू पकड़ा गया, घुमा 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 के भैया ने पकड़ा और ये गोल, गोल, वाह।
दोस्तों हिंदुस्तान के अजीब और गरीब फुटबॉल मैच में राम और लक्ष्मण भैया की जीत हुई और राक्षस लोग दुम दबा के भाग रहे हैं। पहले एक भागा, बाकियों ने देखा हमको भी भागना चाहिए, वो सब भागे। भारत माता की जय। काम कर हमके खिंजीर की औलाद। अरे मुबारक हो बादशाह, क्या फुटबॉल मैच खेले। वराम उद्धार अजीत सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लगता है ये मुलाकात का सिलसिला खत्म करने के लिए अजीत सिंह से मिलना ही पड़ेगा। बादशाह, तुमने अजीत सिंह के बारे में कुछ बताया नहीं। बताता मैं, आओ ना। ये है वो हराम का पिल्ला अजीत सिंह, जो पाशा मियां की बर्बादी का जिम्मेदार है। ये क्या हो पाशा, तुम्हें जानते इसको? जानता तो नहीं था, पहचानता था, लेकिन अब इसे जान गया हूं। तुम्हें कैसे जानते पाशा? ये कुत्ता क्या तुम ना भी काटा? यही है वो कमीना जिसकी वजह से हम दोनों भाई अनाथ हो गए। पाशा, पिछले 20 सालों से आज तक मैंने कभी दिवाली नहीं मनाई। जब भी दिवाली आती है, रोशनी नहीं अंधेरा लेकर आती है। वो जलती हुई फुलझड़ियां चीखे लेकर आती है। उस दिवाली की रात हमारे मां बाप को अंधा कर दिया गया, बेटों के सामने उनका खून कर दिया गया। यही है वो खूनी जिसकी तलाश में मैं आज तक भटकता रहा। अब ये कुत्ते की मौत मरेगा। पाशा, तुम्हारे बाप का नाम क्या था? श्रीकांत वर्मा। तुम्हें क्या बोले पाशा? हाँ पाशा, अजीत सिंह तुम्हारा ही नहीं मेरा दुश्मन भी है। बहुत से पुराने हिसाब चुकाने उससे। कहाँ है वो अजीत सिंह का कुत्ता? उसको अंदर बांध के रखा है। आओ। ये है वो कुत्ता। अजीत सिंह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, तुम खुद बताओगे। इसके हाथ खोल दो। आइए आइए, इस गोडाउन में जरूरत की हर चीज मिलेगी मिलेगी। चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, कहिए क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जल्दी कहिए। माल की रिक्वायरमेंट इस लिस्ट में है, ये लो 20 लाख रुपए। बाकी का रुपया तुम्हारे बाप को भेजा जाएगा सिंगापुर में। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, डैडी कल रात यहाँ पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर ही ठहरेंगे। तब तक आप ये माल तो चेक कीजिए। कुछ करने से पहले इस हाथ की तरफ देख लेना। अरे बाप रे, ये तो राम का भाई लक्ष्मण है। नहीं नहीं नहीं, ये तो लक्ष्मण का भाई राम है। राम ने कही लक्ष्मण। अरे उस दिन की तरह जिस तरह आपने कसीनो को तोड़ा था, आज इस गोडाउन को तो नहीं तोड़ने आए हैं। बकवास बंद कर। अब ये बता, तेरा नाजायज बाप कहाँ है? तुम मेरे बाप की बात कर रहे हो? इस तमंचे को देखकर मुझे अपनी अम्मा याद आ गई। शेटा, पहले ये बता, वो कुत्ता अजीत सिंह कहाँ है? अगर मैं उनका पता बता दूंगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? अरे बोल वरना। उनको फोन करके बुलाना पड़ेगा। फोन उधर है। चल। चलता हूँ। मारना नहीं, गोली मत चलाना।
अब बोल मेरे लाल, तू सलीम पाशा के लिए काम करता है करता है कि खुद के लिए करता है करता है? जल्दी सुना अपनी कहानी कहानी। अबे बताऊंगा तो जरूर, लेकिन तुझे नहीं, तेरे बाप को। नहीं, बेटे को भी सुनानी पड़ेगी पड़ेगी, नहीं तो मेरी गोली। लक्ष्मण सर, मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण है। मुझे गोली लगी है। गोली? अस्पताल में चलिए। चलो बेटे, चलो, चलो, चलो बेटे। डॉक्टर साहब, अब लक्ष्मण कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं, अब वो ठीक हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एनेस्थेसिया का असर है, इसीलिए बेहोशी आ सकती है। वैसे आप एक एक करके मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ऑल राइट। जाओ बेटे, पहले तुम जाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने से पहले इतना तो सोचा होता कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कैसे राम हो तुम, इतना भी नहीं जानते? जब तक राम है लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता। देखो, गोली खाकर भी बच गया। ये गोली मंजीत को बहुत भारी पड़ेगी, मैंने कसम खाई है। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, गोली मंजीत ने नहीं चलाई, ये तो कोई और आदमी था जिसे मैंने कभी पहले देखा भी नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सिस्टर, हाँ? सिस्टर दादा देखिए। घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवाएं लिख के दी, आप ले आइए, मैं इन्हें देखती हूँ। जी। कैसा है अब? ठीक है, आप उसके पास बैठो। अच्छा पाशा, हाँ? ये दवाइयां लानी है। हाँ, चलो चलो। आओ शांति। हाँ। ओ, 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 ओ,
भाई माफ कीजिए बाबा। भाई यहाँ अस्पताल में लक्ष्मण नाम का एक बच्चा दाखिल है। हाँ। वो कौन से कमरे में है? लक्ष्मण भैया से मिलने आया। हाँ भाई। तो यहाँ पहले माले पे क्या कर रहे हैं? वो तो दूसरे माले पे। आइए आइए आइए। चलो शांति। आइए मैं आपको मिलवा दे। आइए आइए आ जाओ। तू जरा अच्छा हो जा, फिर देख क्या हाल बनाती हूँ तेरा। निकम्मी नालायक औलाद है, रुला रुला के मेरे दीदे फोड़ डालेंगे। दादी आओ आओ। बाबा लक्ष्मण भैया आपसे कोई मिलने आए। बाबा दादी ये वो बाबा है जिन्होंने मेरी जान बचाई। आओ बाबा। बेटे हम तुम्हारे लिए प्रसाद लाए हैं। ये लो बेटा, हम कभी कभी तुमको देखने, हमारा मतलब है तुम्हारी आवाज सुनने, तुमसे मिलने आया करें, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना बेटा? ये आप क्या कह रही हैं माजी? हाँ बेटे, ज्योति मांगे कि सही, लेकिन मन का अंधेरा कुछ तो दूर हो जाएगा। आप जरूर आया करें भाई, और जरा समझाइए इसे, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। दादी चुप, तुम दोनों भाइयों ने मिलके मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या लक्ष्मण का कोई भाई भी है? हाँ। क्या नाम है उसका? अरे यहाँ तो मेला लगा हुआ है, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, अगर पेशेंट को बात करते हुए देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, प्लीज बाहर चलिए। अच्छा बेटे हम चलते हैं। अच्छा बेटे चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। दादी तुम भी जाओ घर पे। अच्छा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमसे टकराने वाले कोई भी जिंदा बच गए हो। अगर हमारे खौफ से नहीं मरते तो हमारी गोली से मर जाते हैं, लेकिन ये दोनों हरामजादे अभी तक सांसें ले रहे हैं। बेशरम है डैडी, दो बारी बच चुके हैं। लेकिन उन्हें बचना नहीं चाहिए, कोई भी सुनेगा तो हम पर हंसेगा। जाओ जाकर पहले उस अस्पताल वाले को खत्म कर दो। आजाद, किल दोज बास्टर्ड्स। अच्छा ये बोटी तो अपने मोहल्ले की है ना? क्या नाम है उसका? राधा। यानी ये होटल में काम करती क्या? राधा तो नाइट स्कूल में पढ़ाती है। नाइट स्कूल में? ये अजीत सिंह का जुआ खाना है। अजीत सिंह का जुआ? मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है। कैसी गड़बड़? मैं देख कर आता हूँ राधा यहाँ के घर में। पोटी प्यारी है मगर जान पोटी से ज्यादा प्यारी है, तुम्हें अंदर जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, फंस जाएंगे तुम्हें। नहीं बादशाह, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तुम ये दवाइयाँ लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं देख कर आता हूँ। अरे मैं We'll be right back.
तुमने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन तुम्हें पहचानने में गलती मैंने की है। राम। तो ये है वो नाइट स्कूल जिसमें गैरतदार बाप की बेगैरत बेटी अपनी नंगी जवानी का सबक पढ़ाती है। राम। क्या मैं पूछ सकता हूँ राधा देवी कि मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? वैसे हमारे मोहल्ले में कोठे वाली भी हैं और सड़क पर खड़े होने वाली भी। तुम शराफत का नाटक किए बगैर अपना धंधा चला सकती थी। अगर साड़ी ही उतारनी थी तो उस दिन उतारी होती जिस दिन बाप की अर्थी को कफन की जरूरत थी, और उस दिन तुम्हें अपने बाप के कफन के लिए अपनी बालियां नहीं बेचनी पड़ती और तुम्हारे पास बेशुमार दौलत होती। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। कम से कम तुम वो गाली मत दो जो हर रात मेरी अपनी आत्मा मुझे देती है। पहले पूछ तो लो, जिस शरीर को दिए किल्लौने नहीं देखा वो इस तेज रोशनी में किस अंधेरे से गुजर कर आई है? भूख का अंधेरा देखा है तुमने? उस अंधेरे ने मेरे पापूजी को निकल लिया और मेरे मासूम भाई की आंखों से सारे सपने छीनकर आंसू भर दिए और मुझे उस बाजार में खड़ा कर दिया जहां हर आदमी
शादी की दुकान सजाए बैठा होता है। मैं बिकने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे भी मुन्ना को रोटी नहीं मिलती। फिर मैं क्या करती? जिसे भी काम मांगती थी वो पहले मेरे कपड़े उतारना चाहता था, और जब कपड़े उतारने थे तो नहीं। राधा, आज के बाद तुम्हें इन जिल्लतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राम, ये तुम क्या कह रहे हो? जब इतना बुरा कहा है तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। मेरी बालिया राम। हाँ राधा, इन्हें पहन लो और भूल जाओ कि तुम यहां कभी आई थी। भाई वाह, कितने दर्दनाक और इमोशनल कहानी थी। सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। अबे अपने आंसू संभाल के रख, तेरे बाप की मौत पर क्या भाएगा? हवा कम करके बोल मेरे लाल। तू दो मर्तबा पहले बच चुका है, लेकिन इस बार यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस कसीनो के दरवाजे हमारे हुक्म से बंद होते हैं और हमारे हुक्म से खुलते हैं। पहले मुंह बंद करना तो सीख ले, हर बात दो बार निकल जाती है। क्यों, मजाक उड़ाता है? उड़ा ले, आखिरी बार उड़ा ले। अच्छा हुआ तुझे ढूंढने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। अब तू इधर मारा जाएगा और उधर अस्पताल में लक्ष्मण को मौत का इंजेक्शन लग चुका होगा। फट गई ना आंखें। तुम दोनों की रामलीला अब खत्म। इसी मुद्दा खाना ले जाओ, चली। आओ। बंद कर दो। आओ। तीन मिनट में लक्ष्मण दुनिया से चला जाएगा। नहीं, राम के होते ऐसा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण कहाँ है? राम, लक्ष्मण को खोजना बेकार है। वो मुर्दों की इस दुनिया में जिंदा जा चुका है। मैंने पूछा लक्ष्मण कहाँ है? पूछने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ तीन मिनट में उसकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। लक्ष्मण से मिलना चाहते हो ना? लो, तुम्हें भी लक्ष्मण के साथ ऊपर भेज देता हूं। लक्ष्मण यहीं किसी डिब्बे में है, और बहुत कम है। तुम भी जल्दी उसे ढूंढो। हाँ।
लक्ष्मण, लक्ष्मण इसे उठाओ, बाहर निकालो जल्दी। लक्ष्मण, डॉक्टर ने क्या कहा? बस यही कि मैं बिल्कुल फिट हूं। तू घर पर ही रहना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। ठहरो भैया, मैं जानता हूं तुम अजीत सिंह को मारने जा रहे हो। तुम्हें किसने बताया? पाशा ने। लेकिन भैया तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है? लक्ष्मण आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद फिर बताने का मौका ना मिले। भैया तू हमेशा पूछता था ना कि मैं दिवाली क्यों नहीं मनाता, और मैं हमेशा खामोश रहता था, लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं। वो दिवाली की ही रात थी जब एक राक्षस ने माँ और बाऊजी को जलती फुलझड़ी से अंधा करके आग में फेंक दिया, और उस राक्षस का नाम है अजीत सिंह। ये वही राक्षस है जिसने तुम पर गोली चलाई थी। अजीत सिंह? हाँ, मैंने हमारे जलते हुए घर के सामने कसम खाई थी कि मैं अजीत सिंह से माँ और बाऊजी के साथ किए गए जुर्म का बदला लूंगा, और आज मेरी कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। भैया तुम अकेले नहीं जाओगे। हट जा लक्ष्मण, तू नहीं जानता कि वो कितना खतरनाक। अगर वो तुम्हारे लिए खतरनाक है तो मेरे लिए भी उतना ही खतरनाक है। नहीं लक्ष्मण, तू मेरी वापसी का रास्ता देखना, और अगर वापस ना आ सका तो मां और बाबा के साथ मेरी मौत का भी बदला लेना। कैसी बात कर रहे हो भैया, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो मेरे भगवान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये क्या कह रहा है पागल? खून का रिश्ता भक्त और भगवान के रिश्ते से भी बड़ा होता है। तो फिर मुझे भाई के रिश्ते का हक अदा करने दो। जब सतयुग के लक्ष्मण ने अपने भाई की बात नहीं मानी और सिद्ध करके उनके साथ वनवास चले गए, तो कलयुग का लक्ष्मण आपकी बात कैसे मान सकता है? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा भैया, तुम्हें मेरी कसम। बॉब। यस मास्टर। मंजीत आया? नहीं मास्टर। जाओ जाकर पता करो और मुझे बताओ कि वो कब आ रहा है। ओके मास्टर। सर आपका स्टीम रूम रेडी है। तुम जाओ। थैंक यू सर। अजीत सिंह। ए कौन है, कौन है तुम? कौन है? यमदूत का कोई भी नाम रख लो अजीत सिंह, उसका नाम एक ही होता है, मौत। ये फुलझड़िया, इसका क्या मतलब? ये फुलझड़िया हमारी पहचान है अजीत सिंह, एक दिवाली की यादगार, जिसने हमारे माँ बाप को अंधा किया था, हमें बेघर बेसहारा किया गया था। ये फुलझड़िया नहीं, ये बदले की चिंगारियां हैं जो सूरज के सिरे से निकलकर हमारे हाथ में आ गई है। तुम दोनों उसी मास्टर के बेटे हो। अच्छा हुआ तुझे याद आ गया, हम दोनों उसी मास्टर के बेटे हैं जिससे तूने कहा था कि कानून अंधों की गवाही नहीं लेता। आज मैं तुझे बताता हूँ, कानून मुर्दों की गवाही नहीं लेता। तू कभी किसी से बता नहीं सकेगा कि तुझे तेरे पापों से मुक्ति दिलाने वाले कौन थे। No!
मास्टर, 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 wake up, मास्टर. मर गया मैं डरूर, फट जाना डरूर. अकबर में है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, अजीत सिंह मुर्दार हो गया. इसलिए होटल में जितने गरीब लोग आए सबको मेरी तरफ से खाना खिलाओ. ये मोहल्ले में जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं सब जगह चरागाह करो, सब जगह गुजिया मनाओ, सबको खाना खिलाओ. हाँ हाँ, खाना तो ठीक है पाशा भाई, मगर अगर गाना नहीं हुआ तो जश्न अधूरा रह जाएगा. चलो गाना भी कर लेते मैं. अपने एक बात बोले, ये फंक्शन कल मनाओ, कल छुट्टी है. हाँ जैनी ठीक करिए पाशा भाई, कल गोविंदा का जलसा है, हमारी खुशी में सारी बस्ती शरीक हो जाएगी. तब तो मैं खुशी का मजा वैसे नको आएगा. हांडी खाली रही तो नहीं चलता, उसमें 10,000 की घड़ी डाले तो रंग जमेगा ना मैं. ये हुई ना बात, पाशा भाई जिंदाबाद. छोटे जवान हो गए, कुछ फिकर कर रहे कि नहीं आप? माशाल्लाह लड़कियाँ अच्छी हैं, अकबर के लिए भी कोई मिल जाए तो तीनों का निकाह एक साथ करवा दूं. क्या बोल रहे, राम और लक्ष्मण का निकाह कराएंगे, फसाद भी हो जाएगा. ओफो, गाजी नहीं तो पंडित आ जाएगा, बात तो एक ही है. मगर खाला थोड़ा जल्दी करो, ये पोटे थोड़े जल्दी में लग रहे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे हुक्म को ओवरटेक कर को आगे निकल जाए. हम चलते हैं तो फिर रुक नहीं.
दोनों लड़कों की सगाई कर देती हूँ, शादी बाद में होती रहेगी। इतना जल्दी कैसे होगा दादी? अपुन को नया कपड़ा होना, राधा दीदी को भी सगाई का जोड़ा होना। मुझे सिखा रही है? ये ले पैसे और जाओ, तुम दोनों अपनी पसंद के सगाई के जोड़े ले आओ। दादी पैसे तो मेरे पास भी है। बेटी सगाई का जोड़ा ससुराल से होता है, जाओ लेकर आओ। और कीमत की परवाह बिल्कुल मत करना, मेरे राम और लक्ष्मण की तुलने लाखों में एक लगनी चाहिए। अरे अकबर। जी दादी। तुम इन दोनों के साथ जाओ और किसी बड़ी अच्छी दुकान से इन्हें सगाई के कपड़े दिलवा दो। अरे चलो महारानियों पधारो, चलो चलो, आइए आइए आइए। अच्छा दादी। अच्छा बेटी। सांता क्रूज दिखा दिया, लिंकिंग रोड दिखा दिया, क्रॉफर्ड मार्केट दिखा दिया, दादर दिखा दिया, किसी मार्केट में आपको साड़ियां नजर नहीं? ये साड़ियों का काउंटर है, आइए जरा मेहरबानी करके साड़ियां दिखाइएगा। जी वो चेक्स वाली साड़ी दिखाइए, ये वाली, और वो पिंक वाली साड़ी दिखाइए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, दिखाइए जी भर के साड़ियाँ दिखाइए, लेकिन यहाँ से एक न एक ले जरूर लीजिएगा। दिखाइए दिखाइए। ओ माफ कीजिएगा बहन जी, ये लीजिए। थैंक यू जेनी। हाँ तुम्हारे पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। ठीक है मैं ये लेती हूँ, मगर तुम मेरी पसंद का कलर लोगी? क्यों नहीं, दिखाओ। ये वाला बहुत प्यारा कलर है। अगर आप लोग मेरा कलर भी देख ले तो क्या बुरा है, जो गुस्से में लाल हो चुका है। आपको किस बात पर कुछ आ रहा है? मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि सगाई आप दोनों की है, पसंद आप दोनों की है, मैं उल्लू का पट्टा यहाँ क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिस है? हाँ प्रैक्टिस करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाओगे ना? शॉपिंग? सुनिए जी कहिए। आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। मेरी भी नहीं हुई। नौबत होगी भी नहीं। लगता है तुम्हारे लिए भी एक जोड़ा खरीदना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं बाहर पान खा के खड़ा हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। खुदा हाफिज बहन जी। यहाँ ट्रायल रूम है? जी हाँ उधर है। थैंक यू। जेनी मेरी पसंद की साड़ी में तू तो गुड़िया लग रही है। दीदी तुम भी ये साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही। अच्छा? हो। अरे जल्दी चलो वरना अकबर गुस्से में नीला पीला हो जाएगा। चलो। अरे ये क्या हो गया? साला ये लोग पागल है क्या, इतना जल्दी भूल गया कि हम ट्रायल रूम में हैं? चने मुझे डर लग रहा है। चलो देखता है। बंद है। आओ देखता है। दरवाजा खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो। कुछ गड़बड़ मालूम होती है, यहाँ फोन भी तो होगा। हाँ जरूर होगा। चलो ढूंढ कर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस का नंबर क्या है? 100।
फोन तो डेड है, डेड है। डर गई, मर गई, डर गई, डर गई। दुकान बंद, शटर बंद, भागने का रास्ता भी नहीं, बचने का रास्ता भी नहीं, और हाथ में चाकू भी नहीं। डर नहीं चाहिए, चाहिए। आजा आजा। आला, अपने बाप का माल समझा है क्या? हर बात दो बार बोलता है। तोपड़ा तोड़ कर तेरे हाथ में रख देगी दो बार, दो बार। दो की दस, दो की दस। पेश करो, करो। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कमीने, छोड़ दे इनको, वरना एक एक को तोड़ डालूंगा। लो, देवर अपनी भाभियों को बचाने आया है, आया है। हाँ, कमीने, हाँ, वही राम लक्ष्मण का भाई अकबर, जिन्होंने तुमको कई बार तोड़ा है, तोड़ा है। है? साले मेरे जैसे बोलता है, बोलता है। पकड़ लो इस हरामी को, हरामी को। अबे, अबे, अबे छोड़। एक, अबे, हट, हट, ये डंडा नहीं, गुप्ती है, गुप्ती। कमीने, और इंसान इससे मर जाता है। अल्लाह, राम भैया और लक्ष्मण से कह देना कि मैंने छोटा भाई होने का हक अदा कर दिया। खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الكريم أكرم الأولياء أكرم السيد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مبارك هو مبارك هو. मैंने उन दो हरामजादों को आपकी तरफ से पहला तोहफा भिजवा दिया, भिजवा दिया है। कौन सा तोहफा? उनके मुंह बोले भाई अकबर की लाश, लाश। गुड वर्क सन। साले गधे समझते हैं कि अजीत सिंह मर गया, लेकिन उन्हें मौत का तोहफा देने के लिए अजीत सिंह अभी जिंदा है। हम खुश हुए, गुड थॉट, गुड थॉट। मंजीत, ये एक इन्विटेशन आया है, नए रामलीला ग्राउंड में दशहरे के समारोह का उद्घाटन हमें करना है। डैड, चंदा मांगने का चक्कर होगा होगा, मैं उन्हें मना कर देता हूँ, कर देता हूँ। नहीं, हम वहाँ जाएंगे। हाँ? आप पब्लिक में जाएंगे, जाएंगे? डैड, एक बार तो आप बच गए, लेकिन दूसरी बार ही नहीं बचेंगे, बचेंगे। हमारे सैकड़ों दुश्मन है, दुश्मन है, कोई गड़बड़ होगी तो। गड़बड़ तो होगी ही, लेकिन हमारे लिए नहीं। हाँ, डैड, अगर वहाँ पर वो दो राक्षस लोग आ गए तो? उन दोनों का आना बहुत जरूरी है, वरना राम लक्ष्मण की जीत का जश्न कलयुग के राम लक्ष्मण की मौत का जश्न कैसे बनेगा? वाह, वेरी गुड। जाओ, जाकर सारे अखबारों में छपवा दो
कि हम उद्घाटन करेंगे। दिमाग है बॉब। यस मास्टर। रामलीला ग्राउंड में सारा इंतजाम करवा दो। ओके मास्टर। भाइयों और बहनों, आज का शुभ दिन राम की जीत और रावण की हार का ही नहीं, केवल त्योहार का ही नहीं, बल्कि आज के दिन हम दुनिया को बताते हैं कि जीत हमेशा सत्य की होती है। पाप की लंका चाहे सोने की ही क्यों ना हो, सच्चाई की आग में भस्म होकर रहती है। रावण चाहे कितना ऊंचा ही क्यों ना हो, उसे राम के सामने झुकना ही पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस दशहरे के शुभ समारोह का उद्घाटन करता हूं। रावण ने कभी रावण पर तीर नहीं चलाया। अजीत सिंह, यह अधिकार तो सिर्फ राम का है। कौन है यह अधर्मी? मारो इसे जल्दी जल्दी। Thank you.
शांति 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 कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ शांति। आप ठीक है ना? तुम कौन हो बेटे? जी मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण बेटे चलिए मैं आप दोनों को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चल बेटे। छोड़ दो मुझे मुझे बचाओ बचाओ। अब तुझे एक ही आदमी बचा सकता है और वो है तेरा बाप। जैसे ही वो आएगा तुम दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया को तकलीफ देने से बच जाओगे। मुझे जाने दो राम, मैंने कुछ नहीं किया, सारी बदमाशी मेरे जालिम बाप की है, बाप की है। उसका जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे जाने दो जाने दो। अगर तूने कुछ नहीं किया तो अकबर का खून किसने किया? बोल हरामजादे। राम भैया राम भैया, दादी ने आपको घर पर बुलाया है। तुम चलो मैं आता हूं। बोल बोल। बेटे अस्पताल में तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम्हारा एक भाई भी है। जी हाँ, वो अभी आते ही होंगे, बुलवाया है। नाम क्या है बेटे उसका? क्यों आप इसे परेशान कर रहे हो? हम इतने भाग्यवान कहाँ हैं कि हमारे बच्चे। दादी दादी दादी, भैया ने कहा है कि वो अभी आते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा खेलो। अच्छा दादी। दादी आपने मुझे बुलाया? लो राम भैया आ गए। राम अरे राम लक्ष्मण राम, अरे कहाँ हो बदमाश हो? अरे भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। पिताजी माँ पिताजी कौन 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 हो तुम? मैं आपका राम हूँ पिताजी। राम 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 और ये मुन्ना लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। भैया ये हमारे माँ और बापू। हाँ लक्ष्मण बेटे। राम बेटे बेटे माँ लक्ष्मण राम लक्ष्मण मेरे बच्चे लक्ष्मण मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे बच्चे लक्ष्मण माँ मेरे बच्चे मेरे लाल। शांति शांति देख देख शांति, आज आज हमें हमारी आंखें मिल गई। शांति देख शांति मेरे बच्चों मेरे बच्चे मेरे लाल। दादी दादी कुदरत का खेल देखकर आंसू भर आए बेटा। एक गोद खाली हुई और एक गोद भर गई। आपने खेल वो ही जानता है। नहीं बहन नहीं, आपकी गोद कभी खाली नहीं होगी। हमारे होते हुए भी राम और लक्ष्मण आप ही की औलाद हैं। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज आप लोग मिल गए और आज ही के दिन आपके बेटों को जुदा करने वाला अपने बेटे को छुड़ाने आएगा। राम, तूने मुझे रावण कहा था ना? देख आज वही रावण तेरी अयोध्या को शमशान बनाने आया है। लगता है शमशान जाने के लिए तुम बहुत उतावले हो। वैसे तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए हमने तुम्हारे बेटे को जिंदा रखा है अजीत सिंह। अगर तुमने मंजीत को मेरे हवाले नहीं किया तो इस घर की तरह बस्ती के सारे घर तबाह कर दिए जाएंगे। अजीत सिंह ये मत भूलो, इन्हीं मकानों में से किसी एक मकान में तुम्हारा बेटा मंजीत भी है। इसलिए बाजी तुम्हारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। अजीत सिंह एक मोरे के दम पर चाल नहीं चलता। मेरे पास एक मोरा और भी है जो तुम्हारा दोस्त है और हमदर्द भी।
पाशा, राम पाशा, या राम के पोटे की बात न को माने। राम, अगर पाशा की जिंदगी चाहते हो तो मंजीत को छोड़ दो। मैं पाशा को छोड़ दूंगा। नहीं लक्ष्मण, जाओ मंजीत को ले आओ। मंजीत यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा भैया। अजीत सिंह का एक भी आदमी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, लेकिन पाशा की जान बचाने के लिए मंजीत का छोड़ना बहुत जरूरी है। जाओ लक्ष्मण, जाओ। अरे क्या कर रहे पाशा, सांप को उसका जहर वापस कर रहे, इन्हें एक एक को डसेंगा। पाशा, दोस्त की जान बचाने के लिए दुश्मन के सामने झुकना पड़े तो राम झुक जाएगा। नहीं! भाग मत वरना दाढ़ी उखाड़ दूंगा। अजीत सिंह, पाशा को छोड़ दो। पाशा को छोड़ दो। मंजीत को छोड़ दो। चलो गोली, भून दो इन सबको, आग लगा दो पूरी बस्ती को, कोई भी साला जिंदा नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए, चलो। वो सब कुछ हो जाएगा बेटे, अभी कुछ खेल बाकी है। तुम इंसान नहीं पाशा, फरिश्ते, फरिश्ते हैं तुम्हें। नहीं पाशा। बेवकूफो, जिस आदमी को तुम गले लगा रहे हो ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप को अंधा करने में मेरी मदद की थी। जिन हाथों को तुम अपने हाथों में थामे हुए हो इन्हीं हाथों ने तुम्हारा घर जलाकर राख कर दिया था। एक गद्दार की खातिर तुमने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। पाशा, क्या ये सच है? बोल पाशा। हाँ, सच है, लेकिन अच्छा हुआ मेरे सारे दुश्मन एक साथ एक ही निशाने पर हैं। बेटू, वो हमारे माँ और बाबूजी को उठा कर ले गए। दोस्त, तूने हर वक्त अपनी दोस्ती निभाई, आज तुझे फिर से अपनी दोस्ती निभानी होगी। हम लोग उन लोगों को उलझा कर रखेंगे और तुझे ये पता लगाना होगा कि वो लोग माँ और बाबूजी को कहाँ कैद कर रखा है। जा। तुम दोनों तो मरोगे मरोगे, लेकिन साथ में तुम्हारा पूरा खानदान, वो भी मरेगा मरेगा। दुष्ट पापी, रावण और कंस ने तुझसे भी बड़ी बातें की थी राक्षस, जानता है उनके साथ क्या हुआ? सब बुरी जबान चला दिए, जबान चला दिए, छोड़ दे, छोड़ दे। एक मिनट, पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है बुढ़िया, नई कहानी तो अब शुरू होगी, तुम्हारे बेटे आते ही होंगे। अपनी जान देंगे या तेरी जान खा लेंगे,
अपनी जान देंगे या तेरी जान निकालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे। उठा के आए हैं, तू हो क्या तैयार, तेरा हम कफन सिला के लाए हैं। हम सबका दुश्मन है, अरे तू हम सबका दुश्मन है, हम तुझसे बदला लेंगे, हो मर मिटेंगे या मर डालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे। बहादुर तो हो लेकिन साथ ही छिछोरे और बेवकूफ भी, खुद अपने पांव से चलकर मौत के मुंह में आने को बहादुरी नहीं कहते। तुम जैसे कायर की जबान से बहादुरी की बात अच्छी नहीं लगती अजीत सिंह, तुम तो लाचार और अंधे लोगों पर बहादुरी दिखाने वाले जानवर हो। बोल, हमारे माँ बाप कहाँ है, जबान खुलने में देर कर दी तो तेरी खोपड़ी के छितड़े उड़ा दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने माँ बाप के लिए बहुत तड़प रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों ने कसम खाई है कि हमें मार डालोगे या खुद मर मिटोगे। बहुत अच्छे, जरा मुलाजम फरमाइए।
हम पर गोली चलाने का मतलब होगा तुम सबकी मौत और साथ ही साथ तुम्हारे अंधे माँ बाप की भी। लाइए लाइए, आप भी तमंचा लाइए लाइए। आइए हम आप लोगों को आपके माँ बाप के दर्शन करा दें। चलिए चलिए, चल दो की दस, दो की दस, चल चल बुआ की तरह, चल चल, बंद करो। लक्ष्मण, बेटे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ बेटे, भाग जाओ बच्चों, मैं तो ये कमीना तुम्हें मार डालेगा, चले जाओ मेरे बच्चों, भाग जाओ बेटे, भाग जाओ। यहाँ पर हर कदम पर आगे 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 आगे, चल जाओगे चल जाओगे, ये जालिम नहीं छोड़ेगा तुमको। बेटे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं मास्टर, ये मौत की गुफा है जिस पर अजीत सिंह का राज है। यहाँ से इंसान तो क्या, किसी की आत्मा भी हमारी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती। और फिर तुम्हारे दोनों बेटों ने जोश में आकर वही गलती की जो एक बार तुमने की थी और अपनी आंखों से हाथ धो बैठे, याद है ना? कमीने, ये मत भूल के तेरा हश्र भी नरक के कीड़े से कम नहीं होगा। मास्टर, वो नरक की आग तो हमारे पास है जिसमें तुम दोनों जाओगे, और तुम्हारे साथ जाएंगे ये तुम्हारे दोनों बेटे और होने वाली बहुएं। नहीं, नहीं, नहीं। सर, पुलिस आने वाली है और यहाँ के बारे में दोनों सब बता के आ गए। ले जाओ इन दोनों को और डाल दो इस आग के अंदर। नहीं, पुलिस को आने पर ये सब नहीं बल्कि इनकी लाख मिलेगी, और तब तक अजीत सिंह दौलत लेकर बहुत दूर जा चुका होगा। जल्दी करो, अब देखिए तमाशा तमाशा। लक्ष्मण, तुम बचाओ, भाग जाओ यहाँ से, बचाओ अपने आप को, चले जाओ यहाँ से, हमारी कदर मत करो बेटे, चले जाओ यहाँ से। Thank you.
से बचोगे अजय सिंह? सतयुग के राम और लक्ष्मण तेरे पीछे हैं और कलयुग के राम और लक्ष्मण तेरे आगे हैं। अजीत सिंह, यह वही अंधेरा है जो तूने हमारे माँ बाप को दिया था। चल! कौन? कौन है? यह वही खूनी है जिसने कहा था कि दुनिया की कोई भी अदालत अंधों की गवाही नहीं मानती। अजीत, अजीत सिंह। हाँ, लेकिन इसे यह नहीं मालूम था कि दुनिया की अदालतों के ऊपर भी एक अदालत और है। सुन अजीत सिंह, इस अदालत ने हमारे अंधे माँ बाप की गवाही सुन ली। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हवलदार, हथकड़ी लाओ। मुझे माफ कर दो। माफी यहाँ नहीं, अदालत में मांगना। गुड लक। चलो चलो बेटे, यहाँ आओ। बेटे, बेटे, हमारे बेटे, बेटे, अच्छा बच्चों। बेटे देखो, भगवान का इंसाफ, पाप करने वाले की आंखों की रोशनी भगवान ने छीन ली और हमारी आंखों की रोशनी, हमारे बेटा बहू हमें मिल गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।